नमस्कार दोस्तों, विलेज लव कपल ब्लॉग में एक और आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ न्यू रेसिपी और आज हम बनाएंगे बादाम की पत्ता रोटी। आप देखना कि कैसे बनाएंगे हम बादाम की पत्ता रोटी। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं पत्ता जो बादाम की पत्ता है मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, चलते हैं पत्ते तोड़ने के लिए। इसके और जाना पड़ेगा इसमें छोटे काट। ऊपर आ गया दोस्तों पेड़ के। और ये देखो आपको दोस्तों, ये पत्ते हैं, मैं इसको तोड़ लेता हूँ। कुछ इस प्रकार का पेड़ होता है दोस्तों, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ छोड़ के। मैं इसके पत्ते तोड़ लेता हूँ। पत्ते तोड़ लिए, अब इनको लेके चलते हैं। इतने काफ़ी हैं, इतनी रोटियाँ बनाने के लिए इतने पत्ते हो जाएंगे, और लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, हम पत्ता लेके आ गए हैं। मैं डालेंगे पत्ता रोटी बनाने के लिए, वैसे ऐसे छोटे छोटे मुलायम मुलायम पत्ते डालेंगे। तो मुलायम मुलायम निकाल लेते हैं पहले हम इसमें से। दोस्तों ऐसे कुछ पत्ते जो मुलायम होते हैं लेकिन इनके पीछे जो मोटी मोटी ऐसी वो होती है, तो इसको ऐसे निकाल लो, लकड़ी निकल जाएगी और ऐसे पत्ते निकल जाएंगे। अब इनको हम काट लेंगे। दोस्तों अब काट लिया है इनको, इसको अब धो लेते हैं। हाँ इसको धो लेंगे। अब इसको हम आटे में मिलाएंगे, मारेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आटा है गेहूँ का, हमने पहले से छान लिया है इसको। इसमें हम इन पत्तियों को मिलाएंगे। हमने ये डाल लिए हैं और मिला भी दिए हैं, ये पत्तियाँ ऐसी हो गई। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन है इसमें, ये देखिए ये बेसन है, बेसन डालेंगे थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा रवा है, रवा डालेंगे। दोस्तों इसमें नमक भी डालेंगे, इसमें पानी डालेंगे। अब थोड़ा आटे से पतला रखेंगे दोस्तों इसको, जिसमें बादाम की पत्तियां मिल चुकी हैं। देखो दोस्तों आपको दिख रही होंगी हरी हरी। दोस्तों कंप्लीट हो गया मड़की, ऐसे ही रखना है बस इसको, तब तक ये फूलेगा। थोड़ी देर के रख देंगे इसको थोड़ी देर के लिए, तब तक हम दोस्तों इसकी हम पत्तों की धोकर अच्छे से इनकी पत्तल बना लेते हैं। दोस्तों एक ये बन गई है, ऐसी छोटी छोटी बनाएंगे और बना लेते हैं हम। ये देखो ये बनी है, दूरी बनी चली है, इसको भी बना लेते हैं। जरूरत थी छह पत्तल बना लिए, अब इनको धो लेंगे अच्छे से पानी में दोस्तों ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसको भी हम बना रहे हैं, ऐसे रख लेंगे। और जो आटा हमने रखा था वो फूलने के लिए, वो अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम निकालेंगे ऐसे 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 दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे इसको, वो गोल कर लेंगे ये ऐसे। ऐसे ही हो गई है। और एक पत्तल लेंगे ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ऐसे दबा के ऐसे दबा देंगे इसको। और ये दोस्तों ये डिश कई राज्यों में बनाई जाती है और सबका बनाने का तरीका थोड़ा बहुत सेम ही होता है। दोस्तों एक रोटी बन चुकी है, देखो तवा पे भी रख दी है, और रोटियों को हम बना रहे हैं। तो जब तक हम ऐसे ऐसे बना लेते हैं दोस्तों, जैसा कि पिछली आपको बना के दिखाई थी उसी प्रकार ये भी ऐसे ही बनेगी। दोस्तों ये दो बना लिए हमने, और ये बना के इस पर तवा पे भी चढ़ा दिए एक। और जब तक हम ये चढ़ी हुई है तब तक हम इसको ऐसे ढक देते हैं, इनको भी ऐसे दबा देंगे अच्छे से, और इसको भी ऐसे ऐसे चिपक जाएंगे। फिर तब तक इसको सेक लेते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है। चाहिए पड़े
ये ऐसे हो रही है। ऐसे अभी टाइम लगेगा क्योंकि धीमे धीमे सेकना पड़ेगा, और ये सिक जाएगी तो हम आपको बताएंगे। सिक गई, आप देख पा रहे हो कि कितनी अच्छी सिकी है, और इसको नीचे डाल देंगे, ऐसे नीचे से गई कुछ, और दूसरी वाली इस तवा पे डाल देंगे। तो साफ कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों ये ऐसी सिक गई है, और इसके देखो पत्ते निकाल के बताते हैं हम, देखो कितनी अच्छी सिकी है। और हम इनको भी सेक लेते हैं, सारी सेक लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। ऐसे ऐसे पानी में रख देंगे सेक सेक के। तो ऐसी रोटियां बन गई हैं और बहुत टेस्टी बनी हैं, आप देखना इनको बना के ट्राई करना, बहुत अच्छी बनेगी। और ये विलेज स्टाइल डिश है, गाँव में इस तरह की रेसिपी बनती रहती हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसमें हम लगाएंगे दोस्तों, इसमें घी लगाएंगे, इसमें घी है, ये शुद्ध देसी घी, ऐसे तो ये देखिए दोस्तों ये हुई है तैयार बादाम की पत्ता रोटी, और इसमें हमने घी भी लगा दिया है, और तो ये ऐसी बनी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है। मैं इनको खा के बता खिला के बताती हूँ कैसी बनी हुई है, और इसमें घी अच्छे से लगाना तो और भी टेस्टी लगेगी। बस तो बहुत अच्छी लगी है, इसमें बादाम का भी टेस्ट आ रहा है दोस्तों, क्योंकि हाँ। इसमें बादाम के पत्ते डले हुए थे, खुशबू तो आ ही रही थी मुझे, पहले खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी रेसिपी पसंद आए, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, बाय बाय।